नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M42 5G versus Google Pixel 6 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो M42 5G में 6.47 इंच जबकि Pixel 6 Pro 5G में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि M42 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो M42 5G में 2.99 इंच जबकि Pixel 6 Pro 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो M42 5G में 0.34 इंच जबकि Pixel 6 Pro 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि M42 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो M42 5G में 193 ग्राम जबकि Pixel 6 Pro 5G में 210 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि M42 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो M42 5G में सुपर AMOLED जबकि Pixel 6 Pro 5G में की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो M42 5G में 20:9 जबकि Pixel 6 Pro 5G में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो M42 5G में 6.6 इंचेस जबकि Pixel 6 Pro 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन M42 5G में 720x1600 और Pixel 6 Pro 5G में 1440x3120 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो M42 5G में 84.28% जबकि Pixel 6 Pro 5G में 88.5% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो M42 5G में 266 पिक्सल प्रति इंच जबकि Pixel 6 Pro 5G में 513 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो M42 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Pixel 6 Pro 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो M42 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Pixel 6 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो M42 5G में Adreno 619 जबकि Pixel 6 Pro 5G में Mali-G 78MP20 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो M42 5G में Qualcomm Snapdragon 750G और Pixel 6 Pro 5G में Google Tensor मिलता है। बात करें RAM की तो M42 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Pixel 6 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो M42 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Pixel 6 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो M42 5G में अप टू 1TB जबकि Pixel 6 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो M42 5G में Android V11 जबकि Pixel 6 Pro 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी M42 5G में 5000 mAh जबकि Pixel 6 Pro 5G में 5003 mAh देखने को मिलती है।
आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो M42 5G में दो कलर्स जबकि Pixel 6 Pro 5G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो M42 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹21,950, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹25,998 में मिलता है। और बात करें Pixel 6 Pro 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 12GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹99,860 में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy M42 5G में चार फायदे और दो नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Google Pixel 6 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Pixel 6 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में Pixel 6 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Pixel 6 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9RT है, दूसरा Vivo V23 Pro 5G है, तीसरा Moto G71 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।